अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कबुक पेज नंबर 10 को जो हमने हाफ सॉल्व किया था उसका नेक्स्ट हाफ जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आइटम 6 है, ये तो हम यहाँ से तो सॉल्व कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है हैंड से। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, थंब, फिंगर, हैंड। अब ये आपने एरो को देखना है, ये एरो है आपके फिंगर की तरफ, तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, दिस इज माय फिंगर, और ये एरो है थंब की तरफ, दिस इज माय थंब, और ये पूरा हैंड है। ठीक है, दिस इज माय हैंड। ये देखिए स्टूडेंट, इसको हमने फिल किया है, दिस इज माय फिंगर, दिस इज माय थंब, दिस इज माई हैंड। ठीक है, ये वर्ड आपके पास वोकैबुलरी दी हुई है, आपको कोई स्पेलिंग अगर नहीं आता तो आप यहाँ से देख कर लिखेंगे, वैसे तो आपने ये डिक्टेशन वर्ड में लर्न कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। फर्स्ट एरो जो है वो लेग की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसको आपने फिल करना है, दिस इज माई लेग। नेक्स्ट फुट की तरफ है, सॉरी ये जो फर्स्ट एरो है वो आपके नी की तरफ है। ठीक है, दिस इज माई नी। सेकेंड है, दिस इज माई फुट, और जो ये लास्ट है ये आएगा, दिस इज माई लेग। स्टूडेंट्स ये देखें, इसको फिल किया है, दिस इज माई नी, दिस इज माई फुट एंड दिस इज माई लेग। तो आपने ये जो हाफ पेज है इसको अच्छी सी राइटिंग में, प्यारी राइटिंग में आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।